अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको कि हम ठंडा पानी को हम इस इंजन में डालते हैं और इंजन के वाटर जैकेट चारों बगल जैकेट को घुमाते हुए हम यहाँ से गर्म पानी को बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारा इंजन जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो और वाटर जैकेट से चारों बगल जो घूमता है उसके थ्रू हमको ठंडा होते रहे। इसी को हम डायनमो पर जब चलाते हैं तो इसमें हम रेडिएटर रखते हैं, क्योंकि ये पंप पर चल रहा है तो इसलिए पंप में ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि हम ठंडा पानी यहाँ गर्म पानी यहाँ इनलेट करेंगे, इधर से आउटलेट करेंगे। और ये मेरा एग्जॉस्ट का साइलेंसर है, साइलेंसर में भी कुछ ऐसा है नहीं जिसको कि आपको, यानी कि अगर फूट गया है तो इसको आपको रिप्लेस करना है, नहीं तो फिर आपको आवाज़ ज़्यादा देगा। इतना अगर आप करते हैं, डीजल फिल्टर चेंज करते हैं और इस सब सफाई करते हैं क्लियर, और आपका टैपिड का क्लियरेंस अगर आपका सही है और आप समय पर 100 घंटा चलने के बाद अगर आप मोबिल को यानी कि लुब्रिकेंट जो 20-40 ग्रेड का इसमें डालते हैं अगर उसको समय पर चेंज करते हैं और वाइल क्लीनर जिसे है कि वाइल क्लीनर को भी यहाँ पर जो वाइल बाथ में जो मोबिल डाला हुआ है इसको यही देखना है कि अगर आप धूल में या फिर कहीं पर थ्रेसिंग कर रहे हैं वहाँ चला रहे हैं तो हो सकता है कि इसको 50 घंटा पर इसको चेंज करना होगा। अन्यथा अगर आप पानी में चला रहे हैं वहाँ पर धूल नहीं है या फिर कोई भी यानी कि प्रदूषण नहीं है तो आप इसको भी 100 घंटा पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका इंजन बेहतर रिजल्ट देगा और आपको टूट फूट से रोकेगा। यानी कहता है कि मरम्मत एवं रखरखाव, अगर आप रखरखाव अगर आप अच्छा ढंग से कर रहे हैं तो मरम्मत करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी।